ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में भर रिक्त पड़ा हुआ है, और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है, नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं, जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए, ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तड़प तड़प करके जान दे रहे थे, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गाँव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा, ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है? मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी। बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है, और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष से ज़्यादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है। और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके, सेवा समाप्त करके आते हैं, उनको अन्य जगहों पर सुविधाएँ दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएँ दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएँ दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण साधारण बात करता हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पर सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए,
फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहाँ तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन होता है उसका स्वरूप अलग होता है। हम लोग 3 दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस छावनी नहीं बना हुआ है, हम लोग आते हैं पुलिस पकड़ करके हमको ले जाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें हिंसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। जहाँ के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जारा गर्मी बरसात सड़कों पे मैदानों में रेत पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए, और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है। क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलिए।